स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है, तो विपक्ष की अब सदन में मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कई कैबिनेट मंत्रियों से कुछ पद वापस लिए गए तो कुछ में बड़ा फेरबदल हुआ, तो वहीं कई नेताओं को अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल के मंत्रालयों में भी तब्दीली की गई। रेल मंत्री से अब उन्हें वाणिज्य मंत्री बनाया गया है, लेकिन विपक्ष ने इसको लेकर पीयूष गोयल पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने दरअसल ये तंज कसा कि रेल मंत्रालय में सही तरीके से काम नहीं किया गया, इसलिए उनकी तब्दीली की गई है। लेकिन अब बीजेपी ने तमाम विपक्षी पार्टियों को करारा जवाब देते हुए पीयूष गोयल को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बड़ा प्रमोशन मिला है, अब वो राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की जगह अब वो राज्यसभा में लेंगे। जाहिर तौर पर राज्यसभा में नेता सदन का ओहदा पूर्व सामाजिक एवं न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत के पास था, लेकिन अब उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है और उनसे पहले दिवंगत अरुण जेटली के पास ये अहम जिम्मेदारी थी। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पीयूष गोयल को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, एक बड़ा प्रमोशन जो है संसदीय राजनीति में ये उनका माना जा रहा है। और पीयूष गोयल वो मंत्री हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी के भी खास हैं, प्रधानमंत्री के भी खास हैं, और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर भरोसा करते हैं। मोदी के पहले कार्यकाल से ही वो मंत्री रहे हैं और लगातार जिस तरीके से अब कैबिनेट का विस्तार हुआ है, आपको बता दें पीयूष गोयल वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनके पास मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्रालय है। लेकिन इस बीच मानसून सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी का यह बड़ा फैसला अपने आप में बेहद अहम है और जाहिर तौर पर विपक्ष की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सदन में नेता का पद सत्ताधारी पार्टी के लिए बेहद अहम माना जाता है। विपक्ष के सभी सियासी प्रहारों का जवाब देना और उनके सवालों का सामना करने की जिम्मेदारी सदन के नेता की ही होती है, यानी पीयूष गोयल की ही होगी। और माना यह जाता है कि पीयूष गोयल का विपक्षी दलों के साथ भी अच्छा तालमेल रहा है, तो ऐसे में जो विपक्ष मानसून सत्र में लगातार सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है अलग अलग मुद्दों को लेकर, अब कहीं ना कहीं ये तैयारी उनकी फीकी पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया है। राज्यसभा में अब सदन का नेता पीयूष गोयल को बनाया गया है जो कि विपक्ष के प्रहारों का जवाब भी देंगे और जाहिर तौर पर उनके सवालों का सामना भी करेंगे। तो जिस तरीके से बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया है, पीयूष गोयल कैबिनेट मिनिस्टर जिन्हें बड़ा प्रमोशन बीजेपी की ओर से दिया गया है, लगातार लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और जाहिर तौर पर उन तमाम विपक्षी दलों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लगातार रेल मंत्रालय उनसे छिन जाने के बाद पीयूष गोयल को घेर रहे थे कि दरअसल रेल मंत्रालय ने अच्छा काम नहीं किया, जिस वजह से उन्हें वाणिज्य मंत्रालय सौंपा गया। लेकिन फिलहाल आपको बता दें पीयूष गोयल वो मिनिस्टर हैं जिनके पास कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है, यानी मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्रालय अगर किसी मिनिस्टर के पास है तो वो पीयूष गोयल हैं। और पीयूष गोयल बीजेपी के वो नेता हैं जो 2010 से राज्यसभा के सदस्य हैं। वरिष्ठ सांसद के तौर पर पीयूष गोयल एक प्रभावी फ्लोर मैनेजर रहे हैं। उनके नेतृत्व में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 3 तलाक जैसे महत्वपूर्ण बिल पारित किए हैं और जाहिर तौर पर जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, आने वाले वक्त में मानसून सत्र में आखिर क्या कुछ स्थिति होगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा झटका जरूर क्या है, जो कांग्रेस पार्टी अब लगातार सदन में अपने नेता को बदल सकती है इस बात की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। अधीर रंजन चौधरी जो कि राज्यसभा में सदन के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, अब उन्हें हटाकर राहुल गांधी को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, इसको लेकर लगातार अटकलें तेज हो रही हैं। तो घेरने की तैयारी सरकार को कर रही है, लेकिन बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा झटका पहले ही दे दिया है। एक ऐसे नेता, एक ऐसे मिनिस्टर
मिश्रा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के भरोसेमंद भी हैं और विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए भी जाने जाते हैं। एक तेज तर्रार नेता है, एक ऐसे नेता है जो लगातार अपनी कार्यशैली के चलते सुर्खियों में रहते हैं। जिस तरीके से रेल मंत्रालय में उनके द्वारा काम किया गया, लगातार बेहतरीन कार्य उनके द्वारा किए गए और यही वजह है कि यह बड़ा प्रमोशन पीयूष गोयल को सौंपा गया है। हालांकि कुछ और नामों पर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने यह बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा भी कई मंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें जाहिर तौर पर जो संसद का मॉनसून सत्र है 19 जुलाई से जिसकी शुरुआत हो रही है, उसमें तमाम जो विषय रखे जाएंगे उसको लेकर चर्चा हुई और किस तरीके से विपक्ष का मुकाबला संसद में किया जाए इसको लेकर भी रणनीति तैयार हुई है इस बैठक में, और जिसमें यह फैसला लिया गया है कि दरअसल सदन में राज्यसभा में जो नेता होंगे वो पीयूष गोयल होंगे। तो यह बड़ा फैसला जिसने विपक्ष को जाहिर तौर पर बड़ा झटका दिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की भी अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से दी गई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत के शिपिंग इंडस्ट्रीज को मजबूती देने और जहाजों के रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहन समेत कई कैबिनेट ने ये फैसले महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने कपड़ों के एक्सपोर्ट पर राज्य और केंद्रीय टैक्स और लेवी के रियायत को 31 मार्च 2024 तक जारी रखने का फैसला किया है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी अनुराग ठाकुर की ओर से दी गई। उन्होंने बताया कि नॉर्थन ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन का नाम भी अब केंद्र सरकार बदलने जा रही है। इसकी मंजूरी उनकी तरफ से दे दी गई है, जिसके बाद अब इसका नाम नॉर्थन ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च होगा। यह अहम जानकारी उनकी तरफ से दी गई। लेकिन आपको बता दें, जो केंद्रीय कैबिनेट की ये अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए, इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी अहम फैसला लिया गया है। इनके डीएनएस अलाउंस को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, और इतना ही नहीं, जो पेंशन भोगी है उनको भी अब इसका लाभ मिलेगा, यह भी अनुराग ठाकुर की ओर से जानकारी दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें, राष्ट्रीय आयुष मिशन को वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने का फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि सरकार की ओर से 4,607 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं ग्रामीण इलाकों की बात करते हुए ये केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि ग्रामीण भारत देश के किसान, पशुपालन और डेयरी से जुड़ी योजनाओं को लेकर कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। ये जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है। तो ये लगातार अहम फैसले कैबिनेट विस्तार के बाद लगातार लिए जा रहे हैं, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है उसकी तमाम जानकारी दी जा रही है। अलग अलग उद्योग से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी जानकारी कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की ओर से दी गई। लेकिन राज्यसभा में जो सदन के नेता का चुनाव हुआ है, पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है, वो अपने आप में विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है, और इससे ठीक पहले यानी 18 जुलाई को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी एक सर्वदलीय बैठक भी करेंगे, जिसमें जाहिर तौर पर तमाम विपक्षी पार्टियों को ये जाहिर तौर पर जानकारी दी जाएगी कि सदन का जो संचालन है वो सुचारू रूप से हो सके, और संसद का मॉनसून सेशन कुल 26 दिनों तक चलेगा, लेकिन छुट्टियों को हटा किया जाए तो 19 दिन ही इस पर काम होगा। 19 दिनों में मोदी सरकार ने संसद के पटल पर 30 बिलों को पेश करने की तैयारी कर रही है। इसमें से 17 विधेयक नए हैं और बाकी संशोधन बिल हैं। तो ये पूरी जानकारी है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, और इससे पहले बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल को अब
राज्यसभा में ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कि वो अब विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे और विपक्ष को कहीं ना कहीं जिस तरीके से घेरने की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले एक बड़ा झटका जाहिर तौर पर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।